हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करोगे वेबसाइट्स के अंदर, वेबसाइट के वेब पेज के कोड को सेपरेट करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन का यूजेस सीखा था। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम वेबसाइट के पेज को कंटेंट को सेपरेट फाइल्स में जो है सेव करेंगे और उनको वन बाय वन करके इंक्लूड फंक्शन का यूज करके अटैच करेंगे अपनी मेन फाइल के अंदर। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे div id का यूज करके एक हेडर क्रिएट करता हूँ, हेडर ऑफ वेबसाइट। दिस इज वेबसाइट हेडर, ये कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं हेडर के अंदर। उसके बाद एक और कंटेंट का नाम से कंटेनर बनाता हूँ, कंटेंट, और इसमें सिंपली लिखता हूँ दिस इज मेन कंटेंट ऑफ वेबसाइट। सेव करते हैं और एक बनाते हैं डिव आई डी फुटर के नाम से, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज फुटर ऑफ वेबसाइट। तो चलिए, मैंने ये जो वेब पेज यहाँ पे तैयार किया है इसमें हेडर भी है। आप कंटेंट हेडर के अंदर जो भी कुछ लिखना चाहते हो, जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ये हमारे वेबसाइट के मेन कंटेंट है जिसमें अंदर आप जो भी कंटेंट आप जोड़ना चाहते हैं आप कंटेंट जोड़िए, और ये फुटर है, फुटर वाला सेक्शन, और आप इसमें फुटर जो है अपने हिसाब से डालते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन सभी कोड्स को जो है सेपरेट फाइल में सेव करता हूँ। सबसे पहले हेडर वाला कंटेंट अलग करूंगा, कंटेंट वाला सेक्शन हम इसी में रहने देंगे और फुटर वाला सेक्शन हम सेपरेट फाइल में ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए हेडर से लेके जितने भी कंटेंट हैं डॉक टाइप तक, मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ। और पहले तो मैं सिंपली जो है जो भी कंटेंट है एज इट इज, मैं जरा ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करता हूँ क्या नजर आ रहा है। दिस इज वेबसाइट हेडर, दिस इज मेन कंटेंट ऑफ वेबसाइट, दिस इज फुटर ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से लेके सारे कंटेंट कट करता हूँ, नई फाइल में इसको जाके मैं पेस्ट करता हूँ कंटेंट को यहाँ पे, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को हम नाम देते हैं हेडर डॉट पी एच पी के नाम से, हेडर डॉट पी एच पी के नाम से ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव की है, और सेव करता हूँ ये देखिए। और ये जो फुटर यहाँ से लेके जितने भी कंटेंट है मैं इनको कट करता हूँ और एक नई फाइल यहाँ पे बनाते हैं, और इसमें ये कंटेंट पेस्ट करके सेव कर देता हूँ मैं, और इसको नाम देते हैं फुटर डॉट पी एच पी के नाम से, और मैं सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे कंटेंट देखो वेबसाइट में काफी, सिर्फ इसमें ये जो मेन पेजेस में कितने से कंटेंट है, सिर्फ जो कंटेंट मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं वही नजर आ रहा है। हेडर मैंने सेपरेट कर दिया, फुटर सेपरेट कर दिया। दोस्तों इसका एक मेन एडवांटेज ये भी रहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फास्टर हो जाती है। फास्टर इस वजह से रहती है क्योंकि आपके जो मेन इंडेक्स पेज है इसमें लोड कम रहता है, इसमें जो सिर्फ कंटेंट ही है, बाकी सारे जो कंटेंट है हमने वो किसी दूसरी फाइल में जो है जाके सेव कर दिए। अब इनको वन बाय वन करके सिर्फ हमने यहाँ पे अटैच करना है, तो काफी वेबसाइट जो है वर्किंग या उसकी परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतर होती है। अब मैं यहाँ पे पीएचपी टैग का यूज करके इन फाइल्स को मैं अटैच कर देता हूँ, सेव करता हूँ। फिलहाल इस अगर अगर अभी मैं पेज को देखूँ तो इसमें सिर्फ मेन कंटेंट ही वेबसाइट का नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे वेबसाइट के हेडर को जोड़ते हैं, हेडर डॉट पी एच पी यही है हमारी फाइल का नाम। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वेबसाइट का हेडर अटैच हो गया। और यही काम हम करते हैं फुटर के लिए भी, और पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे हेडर के बजाय फुटर। हमारे पास जो है हेडर और फुटर के लिए सिर्फ एक लाइन में कोड आ गया मेन फाइल के अंदर, एक ही लाइन में कोड। जो भी कंटेंट है हमारे पास वो सेपरेट फाइल्स में यहाँ पे सेव हो गए हैं, वो यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, और मेन फाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक लाइन का कोड हो गया। ये काफी बेनिफिट रहता है, इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को सेपरेटली जो है फाइल में सेव कर सकते हैं और उनको जो है इंक्लूड फंक्शन का यूज करके उन फाइल्स को बस अटैच करते हैं, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली मेन फाइल में आ जाएंगे। देखिए मैं वेबसाइट को जरा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हेडर भी आ गया, कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, और फुटर भी यहाँ पे अटैच हो गया वेबसाइट का।
तो इस तरह से जो है आपकी कंटेंट, आपके जो, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, उसकी परफॉर्मेंस सुधरती है, काफ़ी हैवी नहीं होती है वेबसाइट अगर आपका एक ही काम जो है एक ही पेज के अंदर होगा, हेडर भी, फुटर भी, कंटेंट भी। तो पहली दिक्कत तो ये आती है कि आपको एरर रिजॉल्व करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक ही फाइल के अंदर आपका कोड जो है थाउजेंड्स ऑफ लाइन तक जो है एक्सीड कर जाता है। जब इतना सारा ब्लॉक ऑफ आपका कोड बढ़ जाता है, नंबर ऑफ लाइनों में बढ़ जाता है, तो आपको एरर फाइंड आउट करने में भी दिक्कत आती है। और दूसरी चीज, आपकी फाइल जो वेबसाइट है वो काफी हैवियर हो जाती है। तो इस तरह से कोड सेपरेट करने से, अगर आपने कहीं हेडर में ही एरर है तो आप वहीं पे चेंज करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज वेबसाइट हेडर, कंटेंट लिख देता हूँ और मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, रिफ्रेश करने से ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाते हैं। फुटर में भी आपने यहाँ पे कर, सिर्फ जो है जो चेंज करना है अपनी उस फाइल में जाके चेंज कीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो है मेन फाइल में भी चेंज हो जाता है। ये बहुत बेनिफिट रहता है इसका। होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि आप जो है किस तरह से जो है इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के कोड को जो है सेपरेट फाइल में सेव कर सकते हैं और अपनी मेन फाइल में जो है अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये तो मेन फाइल का आपके पास एक मेन पेज के अंदर हुआ। सपोज दैट आपके पास एक नया पेज, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। मैं इस पेज को नाम देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या नाम दें, contact.php के नाम से मैंने एक पेज बनाया। मैं इस पेज को जरा सिंपल सिमिलर यही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, मेन कंटेंट के बजाय यहाँ पे आएगा प्लीज कंटेक्ट अस फॉर एनी क्वेरी। मैं ये सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे वेबसाइट में जो पेज है contact.php, इस पेज को लोड कर देते हैं। ये देखिए, कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी हेडर और फुटर के अंदर थे वो एग्जिस्ट करते थे और वो सारे contact.php इस पेज में भी जो है लोड अप हो गए, जो मेन पेज में भी आ रहे थे। तो इस तरह से जो है आप जो है इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन दोनों का यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बनाया था। दोनों सेम है, बस दोनों की एरर हैंडलिंग की जो टेक्निक रहती है वो डिफरेंस रहता है। होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।